दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि ओडिशा की न्यू फिल्म माइंड गेम का टीजर आया है, उसका रिव्यू करो, माइंड गेम के टीजर पर अपना रिव्यू दो। तो फाइनली माइंड गेम का टीजर हमने देखा, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, माइंड गेम का टीजर जैसे ही स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमें मर्डर्स दिखाई देते हैं, उसके बाद हमें पुलिस का रोल करते एक्टर कुलकर्णी दिखाई पड़ते हैं। यह टीजर मर्डर और पुलिस केस से रिलेटेड था। इसको देखकर लगता है पूरी फिल्म भी क्राइम थ्रिल होने वाली है। इसमें कोई साइको आदमी मर्डर करता जाता है और पुलिस उनकी मिस्ट्री को सुलझाने में नाकाम रहती है। ऐसा दिखता है टीजर के एक मिनट में कि पुलिस अपना पूरा दिमाग लगाती है उस क्रिमिनल को ढूंढने में, और इस मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए भी काफी संघर्ष करती नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह उनकी पकड़ से बाहर होता है। आखिर क्यों करता है वह इतने मर्डर? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें यह फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर ओडिशा इंडस्ट्री में ऐसे ही फिल्में बनती रही ना, तो वह दिन दूर नहीं कि जब ओडिशा भी साउथ की तरह फेमस इंडस्ट्री हो जाएगी, और फिर बॉलीवुड की जगह लोग ओडिशा इंडस्ट्री को ही देखना पसंद करेंगे। यह अभी भी हो ही रहा है, जब से दमन आई है। दमन की वजह से हमें पता चला कि ओडिशा की भी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के लोगों का काम काफी अच्छा है। दोस्तों, हमें टीचर काफी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा टीचर है, बिल्कुल सिनेमैटिक वर्जन है। और इस फिल्म में जो मारधाड़ होने वाली है वह भी काफी खतरनाक है। ट्रेलर में पता चलता है क्राइम और मर्डर सस्पेंस थ्रिल से भरी मूवी होने वाली है। तो दोस्तों, हमें तो यह टीचर अच्छा लगा। टीचर को मैं 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूँगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा यह टीजर कमेंट करके बता देना।